हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग शंकर आईएएस बुक की मदद से आपके साथ एनवायरनमेंट का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे, जिसके तहत हम लोग चैप्टर नंबर 10 के डिस्कशन पे थे। इसका एक भाग हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, बचे हुए टॉपिक्स को हम आज सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल चलता है। ये चैनल एकदम फ्री है। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरी गुजारिश है, प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे सभी अपडेट्स आपको तुरंत प्रभाव पे यहाँ पे मिल पाएंगे, और दूसरी बात, हमारा काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल हम इसी चैनल पे अपलोड करते हैं, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप से आपको वो सभी चीज़ें फ्री में एक्सेसिबल हो पाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो अपने चैप्टर 10 में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे, प्लांट से जुड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे थे। हमने यहाँ पे एक नई चीज़ देखी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि इन्वेजिव एलियन स्पीसी क्या होती है। देखिए, इसमें तीन वर्ड जुड़े हुए हैं, सबसे पहले इन्वेजिव, फिर दूसरा एलियन और तीसरी कोई स्पीसी। कोई ऐसी स्पीसी जो पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग ना करती हो, उस स्पीसी को आप कहते हैं एलियन स्पीसी। यानी कि समझ लीजिए, ये एक जगह है, मैं मान लेता हूँ ये इंडिया में कोई एक जगह है। अगर समझ लीजिए कोई एक स्पीशी है जो कहीं बाहर की है, वो इस एरिया को बिलोंग नहीं करती और इस एरिया में आ जाती है, तो इस स्पीशी को आप कहेंगे भाई ये तो एलियन स्पीशी है, ये हमारे जैसे फीचर्स नहीं कैरी करे हुए है, इसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं जो हमारे एरिया में पाई जाने वाली स्पीशी में होती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि भाई ये वाली जो स्पीशी है एलियन स्पीशी है। अब अगर ये इस जगह पे आके इस जगह को इन्वेड कर ले और यहाँ पे मौजूद जो यहाँ की नेटिव स्पीशी हैं उनके लिए एक खतरा बन जाए, तो हम कहते हैं इसको कि ये हो गई इन्वेजिव एलियन स्पीशी। एलियन स्पीशी इसीलिए क्योंकि ये बाहर से आई है और यहाँ पे आके जो हमारे इस एरिया में मौजूद ये वाली स्पीशी है इसको ये थ्रेटन कर रही है और इसके सर्वाइवल पे ये एक सवालिया निशान पैदा कर रही है। तो ऐसी स्पीशी को हम कहेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीशी। हो सकता है ये कोई प्लांट हो या फिर हो सकता है ये कोई एनिमल भी हो। अब अगर हम लोग बात करें, अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीशी इन्वेड कर जाती है तो उससे क्या होगा। सबसे पहले अगर स्पीशी रिचनेस की बात करें, तो ये निश्चित तौर पे बात है कि भाई वहाँ की जो स्पीशी रिचनेस है उसमें तो बढ़ोतरी होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि एक नई स्पीशी आके इस एरिया में मिल गई। समझ लीजिए यहाँ पे चार स्पीशी कोई एग्जिस्ट करती थी, ये पांचवी स्पीशी आके यहाँ पे मिल गई, तो स्पीशी में बढ़ोतरी हुई। देखिए, स्पीशी यानी कि और रिच हो गई और ज़्यादा वहाँ पे स्पीशीज हमको मिलने लगी, तो टोटल हमको यहाँ पे अब पांच स्पीशी मिलने लगी हैं, जिससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि यहाँ की स्पीशी रिचनेस में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर हम इसी के आफ्टर इफेक्ट्स देखें, बाद में क्या होगा, हो सकता है ये पर्टिकुलर स्पीशी की वजह से यहाँ पे मौजूद चार स्पीशी में से दो स्पीशीज के सर्वाइवल को खतरा हो जाए और धीरे धीरे करके वो उसकी पॉपुलेशन कम होती चली जाए। तो ऐसे में चार मौजूद थी, एक के आने से तुरंत तो आपने देखा तो भाई आपने कहा कि भाई स्पीशी रिचनेस बढ़ गई है, लेकिन जब थोड़े समय बाद देखा तो इन चार स्पीशी में से इस एक स्पीशी ने दो को खतरे में डाल दिया, जिसके तहत वहाँ पे आने वाले समय में सिर्फ दो ही स्पीशी बची और ये एक स्पीशी तो रही। तो यानी कि अब तीन हो गई। तो आने वाले समय में क्योंकि ये जो इन्वेजिव स्पीशी है ये बाकी वहाँ की नेटिव स्पीशीज पे खतरे के तौर पे उभर के सामने आती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो स्पीशी रिचनेस है वो कम हो जाएगी। तो डिपेंड इस पे करेगा कि ये जो स्पीशी यहाँ पे आ रही है क्या ये कॉम्पिटिशन और प्रीडेशन को ज़्यादा बढ़ाती है। अगर ये पर्टिकुलर स्पीशी वहाँ पे प्रीडेटर के रूप में सामने आई तो ये वहाँ पे स्पीशी रिचनेस को कम कर देगी, लेकिन अगर उसने ज़्यादा अप्रीडेट नहीं किया तो वहाँ की स्पीशी रिचनेस बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है ये जो स्पीशी इनकमिंग वाली है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जनरली देखे जाते हैं क्या क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये इन्वेजिव है तो ये इन्वेड करेगी, इन्वेड करेगी तो वहाँ पर जो नेटिव स्पीशीज़ मौजूद हैं उनकी एग्जिस्टेंस पर ये थ्रेट बनेगी। क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस पर ये थ्रेट बनेगी तो वहाँ पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी को ये निश्चित तौर पर कम करेगी। जो नेटिव स्पीशी हैं उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन होगा, हैबिटेट का कई बार लॉस हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कोई एक पर्टिकुलर पेड़ हुआ, आपने उस पेड़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, हो सकता है वो पेड़ इन्वेजिव पेड़ हो और वो
एकदम से फैलता चला जाए, तो बाकी पेड़ों के लिए जो वहाँ पे न्यूट्रिशन मौजूद है वो उसको भी एब्जॉर्ब कर ले, तो उससे होगा कि बाकी पेड़ों की संख्या तो कम हो जाएगी और वही वही पेड़ बढ़ते चले जाएंगे, तो जो उसका ओरिजिनल हैबिटेट था वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कई बार होता ऐसा है कि नई स्पीशी के आने से नए पैथोजेंस भी इंट्रोड्यूस होते हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके क्रॉप के यील्ड को या फिर कोई एनिमल की स्पीशी को उनको हार्म करते हैं। अगर हम लोग मरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं या फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पे नई इन्वेजिव स्पीशी के इंट्रोडक्शन से जो वहाँ की बायोडायवर्सिटी है तो उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिग्रेड होता चला जाता है। और अगर हम बात करें तो सम अप करके मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इन्वेजन है, ये जो बायोलॉजिकल इन्वेजन है, ये ग्रेटेस्ट थ्रेट है बायोडायवर्सिटी को, तो यानी कि ये एक चिंताजनक बात है। तो अब हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि अब बेसिक्स क्या होते हैं, इन्वेजन क्या होता है, इन्वेजिव एलियन स्पीशी क्या होती है। अब हम देखते हैं भारत में कौन कौन सी एलियन स्पीशीज़ हैं जो इन्वेड करती हैं दूसरे हैबिटेट को और वहाँ के अलग अलग बायोडायवर्सिटी की स्पीशीज़ को थ्रेट में ला देती हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली ऐसी इन्वेजिव एलियन स्पीशी है नीडल बुश। ये आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जनरली मिलती कहाँ है, साउथ अमेरिका में मिलती है ये, लेकिन इंडिया में एक बार इंट्रोड्यूस हो गई और फिर ये पूरे इंडिया में अभी मौजूद है। आम तौर पे कहाँ देखने को मिलती है, कोई कांटेदार स्क्रब के फॉरेस्ट होंगे या कोई सूखे हुए फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे ये पर्टिकुलर स्पीशी आपको देखने को मिलेगी। देखिए नाम ही इसका है नीडल, नीडल मतलब कांटेदार, तो जनरली कहाँ मिलेगी, ऐसे एरिया जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा हो, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हो, ड्राई डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो इनफैक्ट, या फिर वहाँ पे थॉर्नी स्क्रब्स हो, तो आपको ये प्रजाति काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस में वहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा दूसरी है ब्लैक वॉटल, ये ऑस्ट्रेलिया से आई है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, और अगर एक बार ये भारत में आ गई तो उसके बाद हमने देखा कि ये वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा इसकी मौजूदगी वहाँ पे उसकी ज़्यादा प्रेजेंस पाई गई है। हुआ क्या था, हम लोगों ने इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। हमने सोचा कि भाई पेड़ लगातार कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्यों ना हम पेड़ लगाएं। हमने पेड़ तो लगा दिए, लेकिन हमने उससे पहले रिसर्च नहीं की, हमने नहीं देखा कि ये स्पीशी एक इन्वेजिव स्पीशी है। अब अफॉरेस्टेशन के तहत वो इतनी जल्दी से ग्रो हुई, इतनी जल्दी से स्प्रेड हुई कि उसने वहाँ के हैबिटेट को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया। इसकी कुछ और भी खासियत हैं, जैसे अगर कभी आग लग जाती है तो आग के बाद ये बहुत जल्दी से रीजनरेट कर जाती है, बहुत जल्दी से वापस ग्रो कर जाती है, और इसी के चलते ये बहुत डेंस फॉरेस्ट के रूप में उभर के सामने आती है। वेस्टर्न घाट्स में जो फॉरेस्ट मौजूद हैं उनके बीच में हमको काफ़ी हद तक ये स्पीशी देखने को मिलेगी, और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ यानी कि पहाड़ के ऊपरी भाग में जो फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे हमको, या फिर जो ग्रेजिंग लैंड्स होंगे वहाँ पे हमको ये पर्टिकुलर स्पीशी देखने को मिलेगी। फिर तीसरी स्पीशी है गोट वीड, जो कि फिर से ट्रॉपिकल अमेरिका से आई है और भारत में इंट्रोड्यूस होने के बाद ये पूरे भारत में फैल चुकी है। ये बहुत जल्दी से अपनी कॉलोनी बसा लेती है, यानी अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे दो पेड़ इसके लगा दिए तो बहुत ही जल्दी ये दो पेड़ से 10 पेड़ बना देगी, 10 से 100 पेड़ बना देगी, तो बहुत अग्रेसिव कॉलोनाइजर है। और अगर हम बात करें तो ये वीड के तौर पे सामने आती है, यानी कि एक ये ऐसा पौधा है जो खुद में तो कोई प्रोडक्टिव नहीं है और बाकी पौधों का न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करता है अपनी ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से जो बाकी अच्छे पौधे होते हैं उनके लिए सफिशियंट न्यूट्रिशन नहीं बचता और उनकी ग्रोथ में अड़चन आती है। फिर जो अगली स्पीसी है उसका नाम है ऑल्टरनेंथेरा पेरोनाइकियोड्स। ये पर्टिकुलर स्पीसी ट्रॉपिकल अमेरिका में मिली है, भारत में इंट्रोड्यूस होने के बाद पूरे भारत में ये अपनी प्रेजेंस स्थापित कर चुकी है। ये भी वीड के तौर पे उभर के हमारे सामने आती है, और जनरली कोई अगर टैंक होते हैं, केनाल्स होते हैं, डिचेज होते हैं या मार्शी लैंड होते हैं जो पानी से कवर्ड हैं, उसकी एजेस पे आपको ये पर्टिकुलर स्पीशी देखने को मिलेगी। फिर जो अगली स्पीशी है यहाँ पे इन्वेजिव एलियन स्पीशी, वो है प्रिकली पॉपी, जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका की नेटिव है, वहाँ पे ये निवास करती है। भारत में इंट्रोड्यूस होने के बाद भारत में ये पूरे देश में अपनी प्रेजेंस स्थापित कर चुकी है। ये भी एक एग्रेसिव कॉलोनाइजर है, मतलब क्या है, आपने इसके दो पेड़ यहाँ पे लगा दिए, देखते ही देखते आपके सामने ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी 10 पेड़ों में, देखते ही देखते ये 100 पेड़ बन जाएंगे, तो बहुत तेज़ी से अपनी कॉलोनी बनाती है।
ये विंटर सीजन वीड के तौर पे सामने आता है, यानी कल्टीवेटेड फील्ड्स में, स्क्रबलैंड्स में या फॉरेस्ट के फ्रिंजेस पे, यानी फॉरेस्ट के एकदम कोनों पे आपको ये पेड़ खड़ा हुआ दिखेगा। फिर ये जो पेड़ है बेसिकली ये बाकी पेड़ों का न्यूट्रिशन छीनता है, इसीलिए हम इसको वीड के तौर पे जानते हैं। और खुद अगर हम बोलें तो इसकी प्रोडक्टिविटी एकदम जीरो है, तो इसीलिए ये एक विंटर सीजन का वीड है। फिर जो अगला यहाँ पे इन्वेजिव स्पीसी है वो है ब्लूमिया एरिन आंथा, ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका से आई है और भारत में, पूरे इंडिया में आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ये भी अग्रेसिव कॉलोनाइजर है। अगर हम देखें तो ये हमको कहाँ मिलती है, रेलवे ट्रैक्स के दोनों तरफ आपको ये देखने को मिलेगी जनरली, उसके अलावा रोड के आसपास ये देखने को मिलती है हमको, उसके अलावा कोई जो ऐसे फॉरेस्ट लैंड है जो अब डिग्रेड हो चुके हैं उस एरिया में भी ये पर्टिकुलर स्पीसी देखने को मिलती है। फिर अगली स्पीसी है पालमेरा या फिर टॉडी पाम, ये अफ्रीका की नेटिव स्पीसी है, इंडिया में पूरे भारत में ये फैली हुई है, उसके अलावा एग्रेसिव कॉलोनाइजर है। एक बार कल्टीवेट कर दी गई फिर ये अपने आप उगती है और हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये कल्टीवेटेड फील्ड्स में, स्क्रब लैंड्स में और वेस्ट लैंड में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अगली है कैलोट्रॉफिस या फिर मैडर या फिर स्वेलोवोर्ट, ये भी अफ्रीका की स्पीसी है, पूरे भारत में मिलती है, अग्रेसिव कॉलोनाइजर है और ये कल्टीवेटेड फील्ड, स्क्रब लैंड और वेस्ट लैंड में देखने को मिलती है। देखिए आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द इन्वेसिव स्पीसी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक जैसी हैं, तो आप इनको कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे अलग अलग खानों में डिवाइड कर लें जिससे कि आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बना लें एग्रेसिव कॉलोनाइजर, तो जो जो इनमें से एग्रेसिव कॉलोनाइजर है उनको एक तरफ लिख लें, फिर उसके बाद आप लिख लें कि इनमें से कौन सी कल्टीवेटेड फील्ड्स में मिलती है, तो जो जो मिलती है उनको एक साथ लिख लें, ऐसे आपको याद रखने में भी आसानी होगी और एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं भी इसको आराम से मैंशन कर पाएंगे। नाम आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं क्योंकि सवाल ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सी स्पीशी आपकी इन्वेजिव एलियन स्पीशी के तौर पे सामने आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट हमको इसके नाम तो याद रखने ही हैं। फिर अगला देखते हैं हम लोग, ये है धतूरा मैड प्लांट या फिर थॉर्न एप्पल। आई एम श्योर धतूरा हम सब ने देखा होगा, ये नेटिव है ट्रॉपिकल अमेरिका का, ये भारत में नेटिव नहीं है, ये इन्वेजिव प्लांट स्पीशी है, भारत में ये इंट्रोड्यूस की गई और एक बार ये इंट्रोड्यूस हो गई फिर ये पूरे भारत में अग्रेसिवली एक अपने आप को कॉलोनाइज करते हुए फैलती चली गई। ये ओकेजनली एक वीड का ही काम करती है और जनरली आपको किसी भी ग्राउंड पर ये देखने को मिल जाएगी। फिर है वाटर हाइनासिंथ, जिसको बंगाल टेरर का भी नाम दिया जाता है, ये बेसिकली एक एक्वेटिक स्पीशी है, ये ट्रॉपिकल अमेरिका से नेटिव मतलब वहाँ से बिलोंग करती है, भारत में पूरे जगह पे ये फैली हुई है, अग्रेसिव कॉलोनाइजर है। अगर पानी ठहरा हुआ है या फिर हल्का हल्का बह रहा है, मतलब बहुत कम स्पीड से बह रहा है, तो उस पर्टिकुलर वाटर सिस्टम में आपको ये वाली स्पीशी देखने को मिल सकती है और ये एक बार फैलना शुरू होती है तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को पूरी तरह कवर कर लेती है, जिसके चलते एक्वेटिक इकोसिस्टम की क्वालिटी एकदम गिरती चली जाती है। फिर जो अगली स्पीशी है हमारी वो है इम्पेशंस या फिर बालसाम, ये भी ट्रॉपिकल अमेरिका से है, पूरे भारत में हमको देखने को मिलेगी, ये भी एक अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, जनरली रेलवे ट्रैक्स के आसपास या फिर कोई मॉइस्ट फॉरेस्ट है उनके आसपास हमको ये पर्टिकुलर स्पीशी देखने को मिलती है। और अगर देखें तो कई बार गार्डन में भी ये जंगली पौधे के तौर पर उगती है। आप देखेंगे जो ज़्यादातर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं ये सबकी सब एग्रेसिव कॉलोनाइजर हैं, इस वजह से ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं और अपने आसपास मौजूद बाकी पेड़ पौधों के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर जो अगली स्पीशी है वो है आइपोमिया या फिर पिंक मॉर्निंग ग्लोरी, ये ट्रॉपिकल अमेरिका की बेसिकली नेटिव स्पीशी है, भारत में थ्रू आउट इंडिया आपको देखने को मिलेगी, अग्रेसिव कॉलोनाइजर है ये भी, मार्शी लैंड में ये कॉमन वीड के तौर पर सामने आती है और जनरली एजेस ऑफ टैंक या फिर डिचेज में भी हमको ये देखने को मिलती है। अगली स्पीशी है लेंटाना कमेरा या फिर वाइल्ड सेज, ये भी अमेरिका से बिलोंग करती है, भारत में थ्रू आउट आपको देखने को मिलेगी, अग्रेसिव कॉलोनाइजर ये भी है, ये भी कॉमन वीड है लेकिन फॉरेस्ट में, प्लांटेशन में, हैबिटेशन में, वेस्ट लैंड्स में और स्क्रब लैंड्स में। फिर ब्लैक मिमोसा, ये ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका की है नेटिव, उसके अलावा भारत में ये हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है, तो
तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अभी तक जो भी हम स्पीशी पढ़ रहे थे ये पूरे भारत में हमको मिल रही थी, लेकिन ये जो स्पीशी हैं ये हमको हिमालय और वेस्टर्न घाट्स में खास करके मिलती हैं। ये भी अग्रेसिव कॉलोनाइजर्स हैं, जनरली वाटर कोर्सेज को ये इन्वेड करती हैं, या फिर कुछ ऐसे वेटलैंड जो सीजनली फ्लड होते हैं वहाँ पर आपको ब्लैक मिमोसा देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद अगली है टच मी नॉट या फिर स्लीपिंग ग्रास। टच मी नॉट शायद मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके का ये पौधा दिखता है, जब हम इसको छूते हैं तो एकदम से इसकी पत्तियाँ बंद हो जाती हैं। ये पौधा भी इंडिया का नहीं है, ये नेटिव है ब्राज़ील का, भारत में ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है और ये इन्वेजिव एलियन स्पीसी के तौर पर ग्रो किया है। ये भी एक अग्रेसिव कॉलोनाइजर है। कल्टिवेटेड फील्ड्स की बात करें, स्क्रब लैंड्स की बात करें, डिग्रेडेड फॉरेस्ट की बात करें, तो उनमें ये कॉमन वीड के तौर पर हमें देखने को मिलता है। फिर है 4 o'clock प्लांट। ये पेरू का नेटिव प्लांट है, भारत में थ्रू आउट देखने को मिलता है, अग्रेसिव कॉलोनाइजर ये भी है। गार्डन्स में जनरली ये जंगली पौधे के तौर पे ग्रो करता है, जहाँ हैबिटेशन होते हैं, लोग रहते हैं, उस एरियाज में भी ये ग्रो करता है। फिर है पार्थेनियम या फिर कांग्रेस ग्रास या फिर पार्थेनियम ग्रास। ये जो है नेटिव है ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में देखने को मिलेगा, अग्रेसिव कॉलोनाइजर ये भी है। कॉमन वीड के तौर पे ये काम करता है कल्टिवेटिव फील्ड्स में, फॉरेस्ट में, ऐसे पास्चर्स में जो बहुत ज़्यादा ग्रेज कर दिए गए हों, वेस्टलैंड्स में और गार्डन्स में भी। इसके अलावा अगला है मेस्क्विटी या फिर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये है मेक्सिको का नेटिव प्लांट, भारत में थ्रू आउट देखने को मिलेगा, अग्रेसिव कॉलोनाइजर यहाँ पर भी है। एक कॉमन वीड की तरह काम करता है वेस्टलैंड्स में, स्क्रबलैंड्स में और डिग्रेडेड फॉरेस्ट में। अगला है टाउन सेंड ग्रास। ये जो है ये नेटिव है ट्रॉपिकल वेस्ट एशिया की, भारत में थ्रू आउट देखने को मिलेगी। ये आपको नदियों के किनारे जनरली देखने को मिल सकती हैं, जो बैंक ऑफ रिवर है वहाँ पे पर्टिकुलर पौधा आपको देखने को मिलेगा और ये भी इन्वेजिव एलियन स्पीशी है। अब हम देखते हैं कुछ फौना यानी कुछ ऐसे पशु जो इन्वेजिव एलियन स्पीशी के तौर पर काम करते हैं। सबसे पहले है लेप्टोसाइब इनवासा। ये एक कीड़े की प्रजाति है, एक पेस्ट है, जो कि तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में देखने को मिला है, पेनिनसुलर इंडिया के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिला है। बेसिकली ये वॉस्प की तरह है, एक उड़ने वाला ये कीड़ा है जो कि यूकेलिप्टस नाम के पेड़ से जुड़ा रहता है। तो ये भारत में इन्वेजिव स्पीसी के तौर पे इमर्ज होकर सामने आता है। उसके अलावा क्रेजी एंट, जायंट अफ्रीकन स्नेल, मैना, जो चिड़िया मैना हम लोग देखते हैं रोज़, वो भी एक इन्वेजिव एलियन स्पीसी है। गोल्ड फिश है, पीजन है, डोंकी, हाउस गेको जो घर में देखे जाने वाले छिपकली है, और उसके अलावा तिलापिया। तो ये जो सबके सब हैं ये बेसिकली इन्वेजिव एलियन स्पीसी के तौर पे सामने आते हैं। ये ऐसे फौना हैं यानी ऐसे पशु और पक्षी हैं जो भारत को बिलोंग नहीं करते, वो उस पर्टिकुलर एरिया में इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उनके इंट्रोडक्शन से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर एक थ्रेट पैदा हो गया है। तो ये कुछ नाम थे जो हमको याद करने हैं। अब हम देखते हैं मेडिसिनल प्लांट यानी ऐसे पौधे जो दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें पहला जो ऐसा पौधा है वो है बेडोम साइकैड, या फिर इसको हम पेरीठा भी बोलते हैं या फिर कोंडाइथा। ये बेसिकली ईस्टर्न पेनिनसुला इंडिया में देखने को मिलता है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पे जनरली हमको ये पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट देखने को मिलेगा। ये जो प्लांट है ये जनरली आर्थराइटिस को क्योर करने में इस्तेमाल किया जाता है और मसल पेन में भी इसके यूजेज से काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो मेल कोन्स होते हैं वही आपको मेडिसिनल प्लांट की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा ये एक पर्टिकुलर प्लांट है जो फायर रेजिस्टेंट भी होता है, यानी कि इसमें आग नहीं लगती। फिर जो अगली प्रजाति है वो है ब्लू वांडा, उसको हम कहते हैं ऑटम लेडीज या फिर ट्रेसेस ऑर्किड। कहाँ देखने को मिलता है? जनरली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कि असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में और नागालैंड में। ये जो ऑर्किड्स हैं जनरली इसमें नीले कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये भी जनरली कुछ बीमारियाँ क्योर करने में इस्तेमाल होते हैं। फिर जो अगली स्पीसी है वो है कुष्ठ या फिर उसको आप कहते हैं पूषकरमूल या फिर उपलेट। ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि अगर जलन हो रही हो शरीर के किसी हिस्से में तो इस पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट के इस्तेमाल से उस जलन को हम ठीक कर सकते हैं।
शुरुआत में जो तिब्बत में मेडिसिंस बनती थी, इनफैक्ट आज भी जो ट्रेडिशनल मेडिसिंस तिब्बत में मौजूद हैं उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे यूज़ किए जाने वाली प्लांट की स्पीशी है। ये जो प्लांट है इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत बहुत अच्छी सुगंध लिए होती हैं, इस वजह से ये परफ्यूम में भी इस्तेमाल की जाती हैं। जो इन जड़ों से तेल निकलता है उस तेल से हम लोग जनरली इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, और इनकी जड़ों में एक पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं सैसुरिन, और ये मेडिसिनली काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर जो अगली यहाँ पे प्रजाति है वो है लेडी स्लिपर ऑर्किड। जनरली ऑर्किड है तो ये सुंदरता की वजह से काफ़ी कलेक्ट किया जाता है, और अगर किसी को इंसोमनिया होता है या फिर एग्जाइटी होती है यानी उसको घबराहट हो रही है या फिर आपको पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है तो लेडी स्लिपर ऑर्किड के इस्तेमाल से इस बीमारी को क्योर किया जाता है। कई बार इसको प्लास्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई मस्कुलर पेन से व्यक्ति पीड़ित हो तो। उसके अलावा अगला मेडिसिनल प्लांट है रेड वांडा। यह हमको नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में देखने को मिलता है और साउथ इंडिया के कुछ इलाकों में देखने को मिलता है, जैसे कि मणिपुर और आसाम में आपको ये मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में आपको ये मिल जाएगा, इनफैक्ट तेलंगाना के कुछ पार्ट्स में भी ये मौजूद है। एक तो ये फैंसी आइटम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ऑर्किड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और वो उतने डिमांड को मीट नहीं कर पाता, उसकी जगह हम लोग रेड वांडा का इस्तेमाल करते हैं, और जनरली ये ट्रेंड देखा जाता है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और एशिया में। फिर अगला जो प्लांट है वो है सर्पगंध। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी एरियाज़ में हमको देखने को मिलता है, पंजाब के आसपास आपको देखने को मिलेगा, नेपाल के आसपास देखने को मिलेगा, सिक्किम असम ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स पे देखने को मिलेगा, सेंट्रल इंडिया में और अंडमान में भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग मैप पे देखें तो इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको नेपाल के आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा, हमको ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे देखने को मिलेगा, और इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार पे भी देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए सर्पगंध का इस्तेमाल होता है। कुछ हद तक कुछ मेंटल इलनेस होती है या एग्जाइटी की स्टेट हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी सर्पगंध का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स मिलते हैं जिसमें से रेस्पिराइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली एंग्जाइटी की स्टेट को क्योर करने में यूज़ आता है। ब्लड प्रेशर अगर किसी को बढ़ा हुआ हो और सर्पगंध से उसका अगर हम क्योर करेंगे तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी से नीचे आ जाता है। इसकी जड़ों से निकलने वाला जो तत्व होता है उससे पेट और आंतों से संबंधित डिसऑर्डर्स को भी क्योर किया जाता है। कई सारी बीमारियां जैसे कि डायरिया या फिर डिसेंट्री का जो क्योर है वो इसके जड़ों से निकलने वाले रस से किया जाता है। काफ़ी और बीमारियाँ जैसे कोलेरा, कोलिक फीवर भी यहाँ पर सर्पगंध के थ्रू ट्रीट की जाती है। इसके पत्तियों से निकलने वाला जो जूस है उससे आँखों का इलाज किया जाता है। जो कॉर्निया में धुंधलाहट आ जाती है तो उसका इलाज भी इसकी पत्तियों के जूस से किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो प्लांट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को ये क्योर करने में, उनको ट्रीट करने में काफ़ी लाभदायक होता है। फिर जो अगली स्पीशी है उसका नाम है सेरोपीजिया स्पीशी। हालांकि इसमें कुछ फ्लावर्स की स्पीसी काफ़ी ज़्यादा होती है जैसे कि लैंटर्न, पैरासोल फ्लावर, पैराशूट फ्लावर, बुशमेंस फ्लावर, तो ये जो फ्लावर्स हैं इसको हम लोग आमतौर पे ऑर्नामेंटल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी दिखावे के लिए, सजावट के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। फिर अगली प्रजाति है यहाँ पे इमोडी या फिर इंडियन पोडोफाइलम। एग्जाम्पल के तौर पे हिमालयन में एप्पल, इंडियन में एप्पल, तो ये मिलती कहाँ हैं? हिमालयस के निचले एलिवेशंस पे आपको जनरली ये देखने को मिलेगी। इसमें जो राइजोसोम्स होते हैं और जो रूट्स होती हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं, बेसिकली वो ड्रग का काम करती हैं। हालांकि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि ये टॉक्सिक भी होता है, और अगर स्किन पे लग गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग इरिटेंट के तौर पे काम करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को भी ये इरिटेट करता है। फिर अगला है ट्री फर्न, जो कि हिमालय के ही निचले एलिवेशंस पे हमको देखने को मिलता है। ये जनरली फूड सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, या तो इसको कुक करके खाया जाता है या फिर इसको कच्चा ही खाया जाता है, और ये स्टार्च से भरपूर होता है तो इसीलिए जिसमें भी स्टार्च की कमी होती है जनरली उन लोगों को ये पर्टिकुलर प्लांट खाने को कहा जाता है।
फिर अगला है साइकैड, जिसको हम लोग लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी हमको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया का नक्शा ड्रॉ करें तो ये हमको इधर देखने को मिलेगा, इधर देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा और अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलेगा। ये भी स्टार्च का एक बहुत तगड़ा सोर्स होता है। ये काफ़ी सोशियो कल्चरल रिचुअल्स के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक होता है। हालांकि यहाँ पे एक चिंताजनक बात भी है, अगर लोग इसका लगातार कंजम्पशन करते हैं और इससे जो स्टार्च निकल रहा है लगातार किसी व्यक्ति की बॉडी में जा रहा है, तो कई बार कई स्टडीज़ ने ऐसा पाया है कि एक बीमारी जिसका नाम है लाइटिको बोर्डिंग, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति में पनपने लगता है और इसके जो सिम्टम होते हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं पार्किंसंस डिजीज़ के। अभी ये काफ़ी थ्रेटेंड स्पीसी है साइकैट्स की, क्यों? क्योंकि ओवर हार्वेस्टिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और फॉरेस्ट फायर्स की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा नष्ट होती है। फिर जो अगली प्रजाति है वो है एलिफेंट्स फुट। पूरे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में आपको ये पर्टिकुलर प्रजाति देखने को मिलेगी। ये एक कमर्शियल सोर्स है डायोसजेनिन का, जो बेसिकली इसके ट्यूबर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस डायोसजेनिन को इस्तेमाल करके अलग अलग स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है। तो ये देखे हमने कुछ मेडिसिनल प्लांट, देखा हमने किस तरीके से प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके कई सारी अलग अलग तरीके की बीमारियों को ट्रीट किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे ट्री की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। देखिए, जो पेड़ होते हैं बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं, एक होते हैं डेसीडियस ट्रीज और एक होते हैं एवरग्रीन ट्रीज। जो डेसीडियस ट्रीज होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो पूरे साल में किसी भी एक ड्यूरेशन में अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं। अगर ये पर्टिकुलर जो डेसीडियस ट्री है ये कोल्ड क्लाइमेट्स में हुआ तो ऑटम के दौरान ये अपने सारी पत्तियाँ गिरा देगा, और अगर ये हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में हुआ तो जो ड्राई सीजन होता है उस टाइम पे ये अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देता है। तो जनरली अगर आप भारत में माने किसी हॉट एंड ड्राई जगह पे है तो जो ड्राई सीजन्स होंगे मई जून या फिर उससे पहले अप्रैल के आसपास, उस सीज़न में ये सारी पत्तियाँ अपनी गिरा देगा। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि पूरे जंगल में कहीं भी पत्तियाँ ही नहीं किसी पेड़ पे। तो पत्तियाँ गिराने का टाइम ऑलमोस्ट इसमें सेम होता है, इसीलिए पूरा फॉरेस्ट बिना पत्तियों के दिखता है। अब हम अगर एवरग्रीन ट्रीज़ की बात करें तो ये अपनी सारी पत्तियाँ एक समय पे नहीं गिराते, हमेशा कुछ ना कुछ पत्तियाँ तो उसके ऊपर रहती ही हैं, इसीलिए कभी भी पेड़ पूरी तरह बिना पत्तियों के आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पे भी पुरानी पत्तियाँ तो गिरती हैं और उसकी जगह नई पत्तियाँ आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम आया और सारी पुरानी पत्ती गिर गई फिर नई पत्तियाँ आई, तो जब उस टाइम पे आपने देखा तो पेड़ आपको इस तरीके का देखने को मिला जबकि पेड़ ऐसा हरा भरा था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है जब वो अपनी पत्ती गिराएगा। तो इसीलिए एवरग्रीन ट्री कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह बिना पत्तियों के होगा। अब किसी भी पेड़ में कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है जड़ें यानी रूट्स। ये देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है रूट्स, अंडरग्राउंड जाती हैं रूट्स। मेन इनका काम होता है कि जो सॉइल है, ये सॉइल है, इससे वाटर कलेक्ट करें, न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करें और सॉइल से न्यूट्रिएंट कलेक्ट करके ये प्लांट तक पहुंचाएं। इनफैक्ट कई बार तो जो रूट्स हैं वो स्टोर भी करती हैं ऐसे आने वाले समय के लिए जब ज़्यादा न्यूट्रिएंट या फिर मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता। फिर आता है क्राउन। क्राउन यानी आप समझ लीजिए ताज, पेड़ के ऊपर रखा हुआ ये जो ताज है इसको आप कहते हैं क्राउन। बेसिकली ये लीव और ब्रांचेस से बना है। ये देखिए, ये हरी जो पार्ट है ये सब लीव्स हैं, ये ब्राउन पार्ट ब्रांचेस हैं। और ये क्या करता है, ये इसके जो नीचे ये वाला हिस्सा है यहाँ पे छाया देता है। सन जब लाइट यहाँ पे आएगी तो सबसे पहला उसका इनकाउंटर होगा इसी क्राउन से। तो ये जो क्राउन है ये बेसिकली सन से एनर्जी कलेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे लीव्स में होगा और उसके अलावा ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। ये बेसिकली ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करवाता है जिससे कि प्लांट ठंडा रह सके बहुत गर्मी के समय में भी। ये सिमिलर होता है जैसे कि एनिमल और ह्यूमंस में स्वेटिंग होती है, उसी तरीके से ट्रीज़ में ट्रांसपिरेशन होता है, और दोनों जो हैं फिनोमिनाज होते इसलिए हैं जिससे कि बॉडी को ठंडा रखा जा सके बहुत भयंकर टेम्परेचर में भी। फिर तीसरा है लीव्स। लीव्स वो जगह है जहाँ पे एनर्जी
शुगर में कन्वर्ट होती है, यहीं पे पेड़ का खाना बनता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें, ये सब चीज़ें लीव्स में होती हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही इनफैक्ट जो पत्तियां हैं उनको हरा कलर मिलता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो पत्तियां ही हैं जो सन की एनर्जी को कंज्यूम करती हैं और एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उसको शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती हैं। फिर ये जो शुगर बन गई पत्तियों ने बना दी, ये जो है यही होता है किसी भी पेड़ का खाना यानी स्टार्च। तो ये जो है ये अलग अलग जगहों पे स्टोर्ड होती है, जैसे कि ये ब्रांचेज में स्टोर हो सकती है, ट्रंक में हो सकती है, और इनफैक्ट रूट्स में भी हो सकती है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें कि जो शुगर या स्टार्च है वो सिर्फ और सिर्फ लीव्स में स्टोर नहीं होता। लीव्स हालांकि खाना बनाती हैं, लेकिन खाना पेड़ में अलग अलग जगह पर स्टोर होता है, और जो ऑक्सीजन है उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ ले रहा है और ऑक्सीजन पेड़ छोड़ रहा है। फिर देखते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या हैं? बेसिकली ये टहनियाँ हैं जो कि किसी भी पत्ती को उगने के लिए एक बेस प्रोवाइड करती हैं। ये एक कॉन्डविट की तरह काम करती हैं वाटर और न्यूट्रिएंट के, यानी पेड़ से बना हुआ खाना इसी के थ्रू बाकी पार्ट्स ऑफ द ट्री में जाता है। और ये जो लीव यहाँ पे है तो इसके पास अगर कोई चीज़ पहुँचानी हो सॉइल से लेकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर अगर सॉइल से लेकर यहाँ तक पहुँचाना हो तो ये ब्रांचेस के थ्रू ही होता है। अगर पेड़ में एक्स्ट्रा शुगर हो, लीव्स के द्वारा बनाया गया फूड एक्स्ट्रा बचा हो, तो वो यहाँ पे भी स्टोर हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रंक। ये जो पेड़ है तो ये जो इसका पार्ट है ये कहती है, हम लोग इसको कहते हैं ट्रंक। ये किसी भी पेड़ को शेप देता है, उसको सपोर्ट देता है, उसके ऊपर जो ये क्राउन रखा हुआ है उसको एक बेस प्रोवाइड करता है, और इनफैक्ट सॉइल से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना और वाटर को पत्तियों तक पहुंचाना ये भी ट्रंक का ही काम है। अब ये जो ट्रंक है इसके अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी है। एक बार हम लोग इनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग क्या है? सबसे पहले इसमें वर्ड है एनुअल, यानी कि हर साल, और रिंग मतलब इस तरीके की गोलाकार आकृति। तो क्या है, पेड़ का जो तना होता है, जो ट्रंक होता है, उसमें हर साल इस तरीके की रिंग्स बन जाती हैं, और इस वजह से हम कहते हैं उसको एनुअल रिंग्स। अब आप ये सोचिए कि हर एक साल एक एक रिंग बढ़ती चली जा रही है। जब पहला साल था पेड़ का तो एक रिंग थी, अगले साल एक और हो गई, फिर एक और हो गई, फिर एक और, फिर एक और। तो यानी कि अगर हम पेड़ को काट के इस पर्टिकुलर रिंग्स को काउंट करें या इसकी स्टडी करें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई पेड़ को कितने साल हो गए। तो यानी कि ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे हम पेड़ की एज को कैलकुलेट करते हैं। अभी ग्रोथ रिंग कितनी बड़ी होंगी ये डिपेंड करती है वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है क्या होगी साइज़ ऑफ द ग्रोथ रिंग। अब ये डायग्राम देखिए, इसमें ये जो गोले गोले आपको दिख रहे हैं ये जा रहा है इस तरीके का, बहुत सारे गोले बने हुए हैं, ये है वो एनुअल रिंग्स जो हर साल एक नई ऐड हो जाती है, और इसके ही थ्रू आप पेड़ की एज का पता लगा सकते हैं। फिर अगली है इसमें बार्क। तो देखिए बार्क क्या है, ये जो बाहर की डार्क ब्राउन कलर की आप लेयर देख पा रहे हैं ये है बार्क। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो क्या लिखा है, देखिए सबसे आउटसाइड लेयर है ये ट्रंक की, जो आपका तना है उसकी सबसे बाहरी जो सतह है डार्क ब्राउन कलर की, जो हमको पेड़ में जनरली देखने को मिलती है, वो होती है बार्क। ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है कि पेड़ के अंदर के हिस्से डैमेज ना हो सकें। और इनफैक्ट पेड़ में जनरली दो टाइप की बार्क होती हैं, एक होती है इनर बार्क और एक होती है आउटर बार्क, जो हमको जनरली देखने को मिलती है। कभी भी आप पेड़ देखेंगे डार्क ब्राउन कलर की अजीब सी कड़ी कड़ी सी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी पेड़ के ट्रंक पे, तो उसको आप आउटर बार्क कहते हैं। तो ये जो आउटर बार्क होती है ये तो जनरली डेड सेल्स से बनी होती है, यानी पेड़ का जो बाहरी हिस्सा है वो डेड सेल्स से बना है, लेकिन जो अंदर बार्क की लेयर है वो लिविंग सेल्स से बनी होती है, और साइंटिफिकली हम लोग इस इनर लेयर ऑफ द बार्क को बोलते हैं फ्लोएम। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। फ्लोएम का मेन जॉब क्या होता है, पत्तियों ने जो फूड बना लिया है, फूड क्या था इनका, शुगर था, तो
पत्तियों ने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके यहाँ पे खाना बना लिया। अब खाने को पेड़ के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाने की जो जॉब होती है वो होती है फ्लोएम की, यानी ये खाने को पत्तियों से बाकी एरियाज तक फ्लो करता है, इसीलिए हम इसको फ्लोएम बोलेंगे। इस तरीके से आप कोई ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। बार्क से कई सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि लेटेक्स, सिनेमन और कुछ कुछ इनफैक्ट काइंड ऑफ पॉइजन्स यानी जहर भी यहाँ पे हमको बार्क से मिलते हैं। तो ये देखिए, ये तो है बाहर का हिस्सा, डार्क ब्राउन वाला ये है बार्क। अब बार्क भी दो होती हैं, हमने आपको बताया, एक तो आउटर एक इनर। ये जो आउटर है डार्क ब्राउन वाला, ये है डेड सेल से बना हुआ, और जो अंदर की बार्क है ये वाली जो लाइट ब्राउन है कंपैरेटिवली थोड़ी सी, उसको हम कहते हैं इनर बार्क, या फिर इसी का नाम होता है फ्लोएम। तो ये हो गया इनर बार्क। और इसका काम क्या है? इसका काम है पत्तियाँ जो भी खाना बनाएं उसको पत्तियों से लेकर बाकी पेड़ के अदर पार्ट्स तक ले जाना। और एक हमने ये देखा था, ये जो रिंग चल रही हैं इनको हमने बोला है ग्रोथ रिंग या फिर एनुअल रिंग्स। तो ये बेसिकली हमने इस ट्रंक के तीन हिस्से देख लिए। अब बार्क के जस्ट अंदर एक पतली सी लेयर होती है लिविंग सेल्स की, यानी ये भी जीवित सेल्स हैं। बार्क अकेले हैं जो कि डेड सेल्स हैं, उसके बाद इनर बार्क है जो फिर लिविंग है, और इनर बार्क के अंदर एक और पतली सी लेयर है जो फिर से लिविंग है, और ये जो पतली लेयर है इसको आप बोलते हैं कैम्बियम। ये जो हिस्सा है ये पेड़ को अलाउ करता है कि वो हर एक वर्ष नए नए सेल्स का निर्माण करे। ये नए सेल्स का निर्माण होता है तो इसी वजह से हर एक वर्ष जो पेड़ है वो कुछ कुछ हद तक और मोटा होता चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये था ब्राउन वाला बार्क, अंदर का है इनर बार्क जिसको हम लोग फ्लोएम भी बोलते हैं, ये वाला है हमारा इनर बार्क, और इसी के अंदर एक पतली सी लेयर है, ये है केम्बियम। ये देखिए यहाँ पे पतली सी लेयर बनी है येलो कलर से, इसको हम कहते हैं केम्बियम। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये भी लिविंग सेल से बनी है, और जो फ्लोएम है वो भी लिविंग सेल से बना है, सिर्फ बाहरी हिस्सा जो है वो यहाँ पे डेड सेल से बना है। फिर आती है अगला जो पार्ट है जो है सैपवुड। सैपवुड को साइंटिफिकली हम लोग जाइलम भी कहते हैं। ये भी लिविंग सेल से बना होता है, और इसका काम क्या होता है? रूट से न्यूट्रिएंट, वाटर, ब्रांच तक, ट्विग्स तक और लीव्स तक ले जाना। यानी अगर मैं इस तरीके से पेड़ बनाऊं तो ये देखिए, ये एक ब्रांच है और हमने यहाँ पे एक पत्ती बना दी। इस पत्ती में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड जनरेट हो गया। तो अब क्या है, फ्लोएम का काम क्या है? इस फूड को हर जगह फ्लो कराना, फूड को इधर से उधर ले जाना। और अगर मैं जाइलम बोलूँ तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है ये जो नीचे रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, जड़ों में सॉइल से ऐसे मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट स्टोर्ड होते हैं। तो यहाँ पे होगा मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट। तो इस मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट को जड़ों से उठा के पेड़ के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाना काम है जाइलम का। यानी कि जाइलम और फ्लोएम दो अलग अलग रूट्स में काम करते हैं। समझने के लिए आप ऐसा मानिए कि ये एक रोड है, रोड के बीच में डिवाइडर लगा हुआ है। तो ये हमने बना दिया है डिवाइडर बीच में, तो एक तरफ तो यहाँ पे उधर जाने वाले लोग होंगे, एक तरफ इधर आने वाले लोग होंगे। तो जो उधर जाने वाले लोग हैं वो है जाइलम, जो नीचे से रूट से बाकी जगह पे न्यूट्रिएंट और वाटर ले जा रहा है। जो उधर से आने वाले लोग हैं वो है फ्लोएम, जो कि पत्तियों में बने हुए खाने को पूरे पेड़ में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जो ये जाइलम होता है ये पेड़ का सबसे यंगेस्ट पार्ट है, उसको इतना सारा काम करना है। देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है तो उसको सबसे जवान, सबसे यंग तो होना पड़ेगा। तो ये जो है सबसे यंगेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री है। अब जो सैपवुड है तो समझिए, सैपवुड कुछ अगर इस तरीके का है, ये सैपवुड अगर है तो कुछ समय पास होते होते क्या होता है, ये जो अंदर की लेयर्स हैं ये समय खत्म होते होते मृत होती चली जाती हैं। एक बार इनकी डेथ हो गई तो फिर ये यहाँ पे हार्डवुड बन जाती हैं, और हार्डवुड यहाँ पे कहलाता है हार्टवुड, जो कि बेसिकली कुछ नहीं है, डेड सैपवुड है। तो ये है सैपवुड के बारे में सब कुछ। तो देखिए, हम लोग केम्बियम तक आ गए थे, ये पतली लेयर थी लिविंग सेल से बनी हुई। ये जो उसके बाद के अंदर मोटी लेयर है जो फिर से लिविंग सेल्स की बनी हुई है, इसको आप कहेंगे सैपवुड। और सैपवुड के ही भीतर का हिस्सा जो है समय के साथ मृत हो जाता है। एक बार इसकी डेथ हो गई तो ये बन जाएगा हार्टवुड, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा डार्क हो जाएगा।
तो अगर हम लोग बात करें हार्टवुड क्या है, डेड सैपवुड है और ये सेंटर में पड़ता है ट्रंक के। ये पूरे पेड़ में सबसे हार्डेस्ट वुड है, सबसे यंगेस्ट वुड हमने बात की अभी, तो वो कौन सी थी? वो थी सैपवुड। उसी का अंदरूनी हिस्सा जो मृत हो चुका है वो सबसे हार्ड वुड होगी पूरे ट्री में, क्योंकि वो ट्री को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देती है, इनर सपोर्ट। देखिए इससे होता क्या है, पेड़ का अगर अंदर का कोर मजबूत हुआ तो उसका बाहरी स्ट्रक्चर भी मजबूत होता है, तो वो स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करती है हार्डवुड। ये जनरली डार्क होती है कलर में सैपवुड से। फिर बात करते हैं हम पिथ की। पिथ भी कुछ न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने का काम करते हैं। ये भी लिविंग सेल्स हैं, छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स जो कि स्पंजी होते हैं नेचर में और पेड़ के बीच में होते हैं, उनको हम पिथ कहते हैं। ये देखिए जो पिथ है ये एकदम सेंटर में है, हमने बात की थी एकदम सेंटर में है, अब सेंटर में है। और दूसरी बात, ये जो है लिविंग है और करता क्या है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को कैरी भी करता है। प्रॉपर्टी क्या है, ये स्पंजी सा होता है, इसका पल्पी कोर टाइप का होता है और एकदम सेंटर में होता है। तो बेसिकली ये हमने पढ़ा पेड़ के ट्रंक के बारे में। अब हम देखते हैं पेड़ की जड़ों के बारे में, यानी कि रूट्स के बारे में। रूट की अलग अलग टाइप्स होती हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले है टैप रूट। टैप रूट क्या है, टैप रूट इस तरीके से ज़मीन में वर्टिकली इलॉन्गेटेड होती है। ऊपर ऐसे पेड़ होगा और नीचे जो उसकी वर्टिकली इलॉन्गेटेड रूट है उसको हम कहते हैं टैप रूट। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं चित्र में। देखिए यहाँ पे भी एकदम सीधी ऐसे जा रही है, ये भी एकदम सीधी ऐसे जा रही है, ये भी एकदम सीधी जा रही है, ये भी सीधी जा रही है, तो इसको आप कहेंगे टैप रूट। अब उसी को जब मैं कंपेयर करता हूँ फाइबरस रूट के साथ, तो उसमें इस तरीके के फाइबर्स निकले होंगे बहुत सारे। टैप रूट तो ऐसे सीधे एकदम जाती है, फाइबरस रूट में बहुत सारे फाइबर्स होंगे और फाइबर्स के तहत वो नीचे जाएगी। ये एकदम सेंटर में होती है तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है इंसेक्ट के अटैक से, विंड से, एनिमल के अटैक से, और जो प्लांट है उसका कोर का काम ये करती है। फिर जो हमने टैप रूट पढ़ा है अभी इस तरीके से जाने वाला, उसी टैप रूट्स में से छोटी छोटी रूट्स इस तरीके से निकलती हैं। तो ये जो रूट्स निकल रही हैं इनको आप कहते हैं लेटरल रूट्स। ये देखिए ये जो सीधे जा रही है ये है टैप रूट, और ये साइड में छोटी छोटी रूट्स से निकल रही हैं ये हैं साथ में मौजूद लेटरल रूट्स। ये पेड़ को सपोर्ट करती हैं, ये जो इस तरीके की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को की ज़रूरत होती है पेड़ को, वो ये लेटरल रूट्स प्रोवाइड करती हैं। अब आते हैं एडवेंचियस रूट्स पे। ये बेसिकली वो रूट्स हैं जो प्लांट के और काफ़ी हिस्सों से निकलती हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिए, ये है हमारा प्लांट। अब इसके नीचे जा रही थी एक, ये जो सीधी जा रही थी ये थी टैप रूट। इस टैप रूट से कुछ ऐसे रूट्स निकल रही थी जो प्लांट को हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उसको हम कहते हैं लेटरल रूट्स। तो ये हो गई टैप रूट, ये हो गई लेटरल रूट। अब समझ लीजिए अगर कुछ रूट्स यहाँ से निकल रही हैं ज़मीन के ऊपर से और इस तरीके से जा रही हैं, तो इन रूट्स को आप कहेंगे एडवेंचियस रूट्स। और इन एडवेंचियस रूट्स के अंदर भी अलग अलग तरीके की रूट्स हम पढ़ते हैं। पहली है बटरेस रूट्स, जो हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया ये बेसिकली बटरेस रूट का ही है। जो लेटरल रूट्स होती हैं ये है हमारा सरफेस, ये थी टैप रूट, ये ऐसे ऐसे जाने वाली ये जो रूट्स हैं ये है लेटरल रूट्स। तो लेटरल रूट्स के जस्ट ऊपर जो रूट्स ऐसे ग्रो होती हैं ये आप कहेंगे बटरेस रूट्स। ये जनरली स्टेम के नीचे के पोर्शन में फॉर्म होती है। देखिए ये अगर पेड़ है तो ये स्टेम का नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे ये रूट्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये सरफेस से ऊपर होती हैं। ये जो है ये हमारा सरफेस है, तो सॉइल से ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। और ये इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन ट्री। फिर एडवेंचियस रूट्स में ही अगली टाइप की रूट्स है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैनियन ट्री। ये देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं ये इसका अलग अलग ब्रांचेस जा रही हैं और इन ब्रांचेस से ऐसे ये रूट्स लटक रही हैं। तो ये जो ब्रांचेस से रूट लटक रही हैं इनको आप कहेंगे प्रॉप रूट्स। होता क्या है, ये इस तरीके से पेड़ की ब्रांचेस से शुरू होती हैं, ये हवा में लटकती रहती हैं जब तक कि ये नीचे सॉइल में ना पहुंच जाएं, और एक बार ये सॉइल में पहुंच गई तो ये सॉइल में इस तरीके से फैल जाती हैं और ये भी एक रूट के तौर पर इमर्ज हो जाती है। फिर अगला है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट हम लोगों को जनरली मैंग्रोव्स में देखने को मिलती है और
अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो राइजोफोरा स्पीशी मैंग्रोव की जो है वहाँ पे आपको स्टिल्ट रूट देखने को मिलेगी। ये बेसिकली इस तरीके से ये जो आपका सॉइल है इससे ऊपर जो प्लांट है वहाँ से निकलती हैं ऐसे, और कई बार तो ये इतना ऊपर से निकलती हैं कि ऐसा लगता है ये फ्लाइंग बटरेस का काम कर रही हैं। बटरेस रूट्स हमने सबसे पहले देखी थी, वो भी लेटरल रूट्स के ऊपर निकलने वाली रूट्स थी। ये देखिए, ये नीचे टैप रूट है, ऐसे निकलने वाली सब लेटरल रूट्स हैं, और ये जो ऊपर निकल रही है ये बटरेस रूट्स है। अभी और ऊपर से निकल जाए और ये हवा में इस तरीके से लटकती रहें तो आप इसको फ्लाइंग बटरेस कहेंगे, वही समझ लीजिए एक टाइप की स्टिल्ट रूट है। फिर हम चलते हैं न्यू मेटाफोर्स पे। बेसिकली क्या है, देखिए ये तो है, ये भी आपको मैंग्रोव में देखने को मिलेंगी। ये एक अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन इसलिए है क्योंकि मैंग्रोव जनरली हमको कहाँ मिलते हैं, मैंग्रोव मिलते हैं हमको वेटलैंड में, यानी कि मैंग्रोव आपको पानी में डूबे हुए मिलेंगे। अब पानी में उनकी रूट सही से सांस नहीं ले पाती क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो ऐसे में क्या करते हैं मैंग्रोव, इस तरीके से रूट्स को बाहर निकाल देते हैं पानी से, तो वो यहाँ पे सांस ले पाती हैं, और इन्हीं प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं न्यू मेटाफोर्स। ये हेल्प करती हैं ऑक्सीजन ऑब्टेन करने में रूट्स को, और ये भी हमको मैंग्रोव की कुछ प्रजातियों में देखने को मिलेगी, ये आप ज़रूर याद कर लें। फिर अगली टाइप की रूट है होस्टेरियल रूट्स, हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। पैरासाइटिक प्लांट की रूट्स को हम लोग होस्टेरियल रूट्स कहते हैं क्योंकि वो किसी और प्लांट की अंदर पेनिट्रेट करके उसका न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल है इसका मिसल्टो या फिर डॉडर, जो कि पैरासाइटिक प्लांट्स है और इनकी रूट्स इनके होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती हैं। फिर कुछ होती हैं स्टोरेज रूट्स, जो एज सच सेपरेट क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स नहीं है, बस कोई नॉर्मल रूट्स को ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मिल जाता है जिससे कि वो खाना और पानी स्टोर कर पाएँ। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे कैरेट्स और बीट्स। और फिर है माइकोरिजा, जो कि फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट है। इसमें होता क्या है, जनरली रूट के ऊपर फंगस लग जाती है और ये रूट्स को हेल्प करती है, रूट्स इसको हेल्प करती है, यानी कि ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं माइकोरिजा। तो ये मॉडिफाइड रूटलेट है जिसमें फंगल टिश्यूज़ भी हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम चलते हैं कैनपी पे। कैनपी बेसिकली चार अलग अलग टाइप से क्लासिफाई की जा सकती हैं, एक क्लोज्ड, डेंस, थिन और ओपन, और वो अपनी डेंसिटी के आधार पर क्लासीफाई की जाती हैं। अगर डेंसिटी 1 है तो आप समझ लीजिए वो क्लोज्ड कैनपी है, 0.75 से 1 है तो डेंस है, थिन मतलब ये 0.5 से 0.75 तक होगी, और ओपन मतलब 0.5 के नीचे। तो ये देखिए, ये हो गया टाइप क्लोज्ड का, ये हो गया टाइप डेंस का, ये हो गई थिन कैनोपी, ये हो गई समझ लीजिए ओपन कैनोपी। तो कितना डेंस है उसके ऊपर का जो क्राउन है उसके आधार पे आप कैनोपी को क्लासिफाई करते हैं। फिर हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला फिनोमिना है फिनोलॉजी, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक प्लांट के कब अपियर होंगे, किस टाइम पे अपियर होंगे, अगर आप इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो इसमें कहते हैं आप फिनोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि पत्तियां कब गिराएगा वो, फ्लावर्स कब आएंगे प्लांट पे, यानी कि वो पर्टिकुलर टाइम आप प्लांट की लाइफ का स्टडी कर रहे हैं जब वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करेगा, इसको कहते हैं हम फिनोलॉजी। फिर इटियोलेशन, इटियोलेशन हमने पढ़ा था, जब एडिक्वेट लाइट नहीं मिलती है तो प्लांट का क्या है, जो सेल हैं वो इलोंगेटेड हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, क्योंकि सेल खिंच जाते हैं इसीलिए जो ट्रंक होती है प्लांट की वो तो लंबी हो जाती है, लेकिन ये ट्रंक काफ़ी वीक हो जाती है क्योंकि उसको अच्छे से पोषण नहीं मिला, और जनरली जो प्लांट होता है वो येलो कलर का हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इटियोलेशन। ऑटम टिंट, ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कुछ एक पेड़ों में जो पत्तियाँ हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में एकदम से बहुत ज़बरदस्त कलर में चेंज शो करती है, और जब वो गिरने वाली होती हैं उससे जस्ट पहले उनके कलर में एक बहुत डिफरेंस आ जाता है, और उसको आप कहते हैं ऑटम टिंट। इस तरीके का फिनोमिना जो है आपको मैंगो के प्लांट में मिलेगा, कासिया फिस्तूला के प्लांट में मिलेगा। तो ये है बेसिकली ऑटम टिंट, जिसमें लीव्स का कलर चेंज हो जाता है। फिर हम कहते हैं टेपर। टेपर क्या है, बेसिकली सॉइल से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लांट की जो ट्रंक है, जो स्टेम है, उसका डायमीटर कम होता जाता है। देखिए यहाँ पर तो इतना है, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ और यहाँ पे और कम हो गया। बेस पे जनरली स्टेम थिक होती है और ऊपर जाते जाते स्टेम पतली होती चली जाती है। टेपरिंग प्लांट में होती है क्योंकि विंड का इस तरीके से प्रेशर होता है, जो कि क्राउन के नीचे 1/3 हिस्से में ज़्यादा सेंटर्ड होता है, तो यहाँ पे बहुत तेज़ हवा आ रही है, तो अगर ये हवा इसी तरीके से चलती गई और प्लांट को टेपर करती चली गई
तो आने वाले समय में ये पर्टिकुलर प्लांट गिर जाएगा। तो प्लांट को अपने आप को बचाना है, तो बचाने के लिए ये एक अडेप्टिव मेजर है जिसके तहत वो अपनी नीचे पूरा वज़न डाल देता है जिससे कि वो गिर ना पाए, और इसी चीज़ को आप कहते हैं टेपरिंग। जनरली जो टेपरिंग है ये हमको देखने को मिलती है उन प्लांट्स में जहाँ पे टैप रूट बहुत लंबी नहीं होती, क्योंकि टैप रूट बहुत लंबी नहीं है तो प्लांट की पकड़ बहुत मज़बूत नहीं है। और वो क्यों नहीं है, हो सकता है नीचे जो सॉइल हो वो शैलो हो या फिर फर्टाइल नहीं हो, तो इस वजह से ये टैप रूट छोटी है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई अपने आप को बचाने के लिए। तो प्लांट अपना जो सारा वज़न है वो नीचे गिरा देता है और ये पर्टिकुलर एरिया पे वो ब्रॉड हो जाता है, और इसी चीज़ को आप कहते हैं टेपरिंग। फिर हम देखते हैं ग्रिगेरियस फ्लारिंग के बारे में। बैम्बू एक स्पेशल टाइप की फ्लारिंग को एग्जिबिट करता है जिसको हम कहते हैं ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस क्या होता है? जनरली एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ एक स्पीशी ऐसी हैं जो एनुअली तो फ्लार नहीं करती, लेकिन जब उसमें फूल आते हैं तो सारी स्पीशीज़ में एक साथ फूल आ जाते हैं। जनरली ऐसा बैम्बू में देखा जाता है। इसमें होता क्या है, सभी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर स्पीशी की एक टाइम पे फ्लार कर जाती है, और ये कब होता है, करीब 60 से 130 साल के बीच में कभी होगा ये, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे ग्रिगेरियस फ्लारिंग। ये एनुअली नहीं होता, ये 60 से 130 साल के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है। जनरली ये जो फ्लारिंग साइकिल है ये प्री प्रोग्राम्ड होती है जेनेटिकली, और उस पर्टिकुलर जीन को कैरी करे हुए जो जो बैम्बूज हैं वो सभी बैम्बूज एक ही टाइम पे फ्लार करेंगे। जनरली होता क्या है, जब ये फ्लारिंग हो गई सबकी एक टाइम पे, तो उसके बाद उस स्पीशी की मृत्यु हो जाती है। तो जब भी एक पर्टिकुलर स्पीशी अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक पहुंच चुकी हो तो बैम्बू उस टाइम फ्लार प्रोड्यूस करेंगे और साथ में सीड्स भी प्रोड्यूस करेंगे, और जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बैम्बू की खर्च होती है, और इसी वजह से जब भी फ्लारिंग हो गई और सीड्स प्रोड्यूस हो गए तो उसके बाद देखा गया है कि बैम्बू की पूरी मृत्यु हो जाती है और स्पीशी वहाँ से ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो उसने सीड्स प्रोड्यूस किए हैं फिर उस सीड से उस पर्टिकुलर स्पीशी की एग्जिस्टेंस कंटिन्यूड रहेगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक और अलग टाइप की जो फ्लारिंग होती है जिसको बोलते हैं स्पोरेडिक फ्लारिंग। इसमें क्या होता है, ग्रिगेरियस फ्लारिंग की तरह इसमें ऐसा नहीं होता कि एक साथ मास स्केल पे सभी बैम्बू में फ्लार निकल आए, और इसके बाद बहुत कम होता है जब जो बैम्बूज हैं वो डाई होते हैं। ये जनरली लोकलाइज्ड फिनोमिना है, एक पर्टिकुलर प्लांट में या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है सब प्लांट्स को फ्लार्स आ जाएं, पर ये लोकलाइज्ड फिनोमिना है और ग्रिगेरियस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, और इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि प्लांट की डेथ ही हो जाए। फिर अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है साल ट्री के बारे में। ये फैक्ट आप ज़रूर ध्यान रखें। देखिए जो साल ट्री है, हालांकि वो कई जगह पे उग जाता है लेकिन डेक्कन ट्रैप में वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, और वो इसलिए मौजूद नहीं है कि उसकी जगह पे टीक डेक्कन प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि साल ट्री डेक्कन रीजन में प्रेजेंट है तो वो नहीं है, क्योंकि उसकी जगह ले रखी है टीक ने। फिर अगला टॉपिक है सैंडल ट्री के बारे में। जो सैंडल ट्री है, चंदन का पेड़ है, वो पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। हमने पढ़ा था पैरासाइट क्या होता है, हमने पढ़ा था पार्शियल रूट पैरासाइट क्या होता है, जो पार्शियली किसी और प्लांट के न्यूट्रिशन से खुद का न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। शुरुआत में जो इसके छोटे छोटे सीड्स होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, वो तो इंडिपेंडेंटली ग्रो होते हैं, लेकिन जब कुछ महीने गुजर जाते हैं तो वो हिस्टोरिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने आसपास मौजूद किसी और श्रब के साथ या फिर किसी और स्पीशी के साथ जो आसपास ग्रो हो रही हो। हालांकि सैंडल ट्री जो है, जो चंदन का वृक्ष है, वो खुद का खाना बनाता है, लेकिन कुछ वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए पार्शियली अपने आसपास के पौधों पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये पार्शियल पैरासाइट है, क्योंकि वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट ये अपने आसपास के पौधों से ऑब्टेन करता है। फिर अगला टॉपिक है एरियल सीडिंग। एरियल सीडिंग क्या है, मतलब एयर के थ्रू सीड्स को डिस्पर्स करना। एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं हम लोग, ये एक हमारी फ्लाइट है कोई, जिसके थ्रू हमने यहाँ पे सीड्स बरसाए हैं, तो ये सीड जहाँ जहाँ गिरेंगे, अगर वो फर्टाइल लैंड हुई तो वहाँ पे पेड़ उग पाएगा, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एरियल सीडिंग। अब ये हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे काफ़ी जगह ट्राई किया है, जैसे कि चंबल के इलाकों में ट्राई किया है, जो कि यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र में भी देखा गया है।
फिर हमने जब रिसर्च कैरी आउट की 1982 में इस चीज़ के बारे में, तो देखा कि सर्वाइवल परसेंटेज कितनी है। तो भाई 97.3 सर्वाइवल परसेंटेज थी ओपिस जूलीफ्लोरा की, और 2.7% थी सर्वाइवल की अकेशिया नीलोटिका की। और सर्वे ने यह भी बताया कि भाई जो टोटल एरिया में हमने एरियली सीड्स बरसाए थे, उसमें से 25% एरिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बाकी लेकिन 75% एरिया ने रिस्पॉन्ड किया। और वहाँ पे आज उन सीड्स के बलबूते पे ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ प्लांट किंगडम से जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। पूरी लेक्चर सीरीज़ में हमारी कोशिश यही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करें, क्योंकि एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट में अगर हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हैं तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।